हेलो, वेलकम टू एमआरके बैच। देखिए, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेंथ पॉइजन रेशियो और काफ़ी पॉइंट है जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, वो वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टाइप ऑफ मटेरियल और इलास्टिक कॉन्स्टेंट में रिलेशन। ठीक है, और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो पूछे गए हैं आरआरबी जेई एसएससी जेई में। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, लाइक तो कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, अच्छा तो लगे तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, देखो टाइप ऑफ मटेरियल में क्या है। सबसे पहला मटेरियल आता है होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये आते नहीं है, जब क्वेश्चन मिलेगा ना आपको तब पता चलेगा। ठीक है, देखिए होमोजीनियस मटेरियल द मटेरियल विच हैव सेम प्रॉपर्टी इन ए गिवन डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट। ठीक है, देखो कोई एक पॉइंट है, जैसे कोई बॉडी है, इसमें दिखा रखा है इसमें अंदर, तो एक इससे सारे अलग अलग पॉइंट हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है, सेम प्रॉपर्टी इन गिवन डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट, मतलब सेम प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, यहाँ पे ई वन ई टू, ठीक, एक ही पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके का आता है होमोजीनियस मटेरियल, सेम प्रॉपर्टी इन ए गिवन डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है, आइसोटॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, द मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है, आइसोट्रॉपिक में इलास्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लर्न कर लीजिएगा, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। अब होमोजीनियस देख लिया, आइसोट्रॉपिक देख लिया, आपके देखिए होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, द मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, उसमें एट ए गिवन पॉइंट पे होगा और इसमें होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक ऑल द पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, ऐसा करके आप लर्न कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों, अब एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होता है, इसको नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, द मटेरियल विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही पॉइंट पे या अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ई वन ई टू ई थ्री। ठीक है, इसमें ई फोर ई फाइव ई सिक्स, ऐसा करके इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी इसमें। ठीक है, द मटेरियल विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन एट द पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। दोस्तों मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको अभी नहीं लगेगा कि ये आते नहीं हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा पेपर सिंपल नहीं आता, थोड़ा मॉडरेट आने लगा है। ठीक है, आपको पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, अब इसके बाद क्वेश्चन लेके आऊँगा अभी मैं। ठीक है, आप इसको करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में क्या है, द मटेरियल विच हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज द नॉन ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ई वन और ई टू दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसे करके हैं नोट पॉइंट में। देखो अब, देखो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, होमोजोनियस, आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक। ठीक है, इसमें पढ़ लिए, अब ये डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब इलास्टिक कांस्टेंट ये भी आता है। ठीक है, अब आने लगे इस टाइप के, तो देखो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल में टू इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में क्या इतने होते हैं, 9, और एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल में होते हैं 21। तो आपको ये लर्न कर लेंगे, ठीक है, लर्न करना है आपको ये। और आगे देखते हैं, देखो ये है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अगर सोम पड़ेगा ना तो इससे ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सोम से आएगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर इससे बनता है, तो आप देख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट। अब इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से हैं, देखो ई मैंने आपको बता चुका हूँ, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो यंग मॉडुलस बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में। और देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सारे मॉडुलस मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। और इसको देखो जी सी एन, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी सी एन,
इससे डिनोट कर सकते हैं टाउ अपॉन फाई, मतलब सीयर स्ट्रेस अपॉन सीयर स्ट्रेन, ठीक है। के होता है बल्क मॉडुलस, और म्यू या वन अपॉन एम से पॉइजन रेशियो को डिनोट करते हैं, ठीक है। पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए, ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपके काम आ सकते हैं। देखो, ये ब्रैकेट में जो मैंने बंद करे हैं फार्मूला, ये आपको याद करने हैं। ई बराबर 2g1+μ है, ई इज इक्वल टू 2g1+μ, ई इज इक्वल टू 3k1-2μ, और ई इज इक्वल टू 9kg/3k+g। अब देखो, इसमें सारे टर्म्स पता होंगे। ई क्या है, यंग मॉडुलस है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपका पॉइजन रेशियो है। अब दूसरा देखिए, ई बराबर 3k1-2μ, ठीक है। तो के है बल्क बल्क मॉडुलस है, म्यू आपको पता चल गया है। तो ऐसे करके आप देखो, तीन तो ये सिंपल हैं, इससे आप ये इसके इक्वल टू में लिखे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। देखो वैसे तो कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं वैसे, और आपको तीन याद करने हैं, तीनों से ही तुम्हारे 8 बन जाएंगे, ठीक है। म्यू का वैल्यू 1/m भी रख सकते हैं, तो वहाँ पे 1/m शो कराता है, ऑप्शन में देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि यार हमने ये तो पढ़ा नहीं है और ये कैसे आ गया यहाँ पे, इसलिए मैं सारे लिख दिए हैं इस जगह पे, ठीक है। कहीं नहीं लिखे होंगे, किसी भी किताब में देख लेना, नहीं लिखे होंगे, मैंने सर्च कर करके 3-4 किताबों से लिखे हुए हैं, आप देखिएगा। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी अभी मैं जस्ट कराऊंगा, न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, जो आते हैं एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, फिर नहीं आएगा आपको। देखो ये देखो, ई इजकल टू 9kg/3k+g जो वाला लिखा है, वो इसका इजकल टू 9/e, जब इसको सॉल्व करोगे ना अलग अलग करोगे, तो 9/e इजकल टू 1/k+3/g, ये IES में आया था, ठीक है, और SSC JEE में भी आया था, तो मैंने लिख लिया है। इसका सिंपल है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ई बराबर 2g+1, ई इजकल टू 2g1+μ, और ई इजकल टू 3k1-2μ, ई बराबर 9kg/3k+g, ये याद करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो एक मैंने इससे इस वाले से रेड लाइन खींची हुई नीचे को, तो जी इज इक्वल टू Me2m+1। देखो इसमें क्या है, म्यू की जगह पे वन अप जी का वैल्यू जब निकालोगे ना, तो Me/2m+1 निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करना आप, निकल जाएगा। आगे देखते हैं, देखो क्या है। देखो अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, और ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही मैंने इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। और यार दोस्तों, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, कम से कम लाइक तो आते ही नहीं है बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, या वीडियो ख़राब बन रहा हो या ख़राब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत है, ठीक है। अच्छे नोट्स बना के रखे हैं मैंने आपके लिए। चलो देखो, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो फॉर एन अलॉय बॉडी इज 150 GPa, मतलब GPa गीगा पास्कल है, एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली। देखो क्या कह रहा है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस का वैल्यू निकलवा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है सब, गिवन ई ई दे रहा है 150 GPa, मतलब गीगा पास्कल, तो 10^5 इंटू 9 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाता है, आप जैसे mm में स्क्वायर में करोगे ना, तो 150 × 10^3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। म्यू का वैल्यू देखो, मैंने जो बताया था आपको थ्री फार्मूला, ई बराबर 3k1-2μ, ठीक है, उससे करना बेटर रहेगा। मैंने दूसरे वाले फार्मूले से कर रखा है, मैं दोनों से कर रखा है इसको सवाल को। तो पहला न्यूमेरिकल आप एक बार सही सही से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एम का वैल्यू उसने 0.25 दे रखा है, अब देखो म्यू का वैल्यू भी 0.25 है, और 1/m का वैल्यू भी 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ से जब एम का वैल्यू जब निकालोगे ना, तो मैंने एम का वैल्यू देखो निकाल रखा है यहाँ से कैसे, और 0.25 दे रखा है, तो 1/0.25 रखेंगे तो 4 आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू Me3m2, तो यहाँ से डायरेक्ट रखोगे तो आपका निकल जाएगा ये आंसर, आप देख देख के कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा।
और मैंने एक इजी मेथड में और रखा है और करके नीचे, ठीक है, ये और करके नीचे रखा है, ई इजकल टू 3k1 - 2 में भी है। ये उसी में से फॉर्मूला है जो तीन मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट, बॉक्स में बंद करके रखे हैं। तो ई बराबर 3k1 - 2 μ, यहाँ से क्या करोगे, म्यू का वैल्यू रखोगे 0.25, जब सॉल्व करोगे तो आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, आप दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो। देखो, यंग मॉडुलस इज 120 GPA फॉर ए गिवन मटेरियल एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 40 GPA, बल्क मॉडुलस 0.25, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ई दे रहा है 120 GPA, तो इसको 120 × 10³ न्यूटन, इसमें GPA मतलब कितना हो, 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो जब mm स्क्वायर में करेंगे तो 10³ रह जाएगा, ठीक है। 6 3 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 कट जाएगा, 10⁻⁶ कट जाएगा 9 में से, तो 3 बचेगा, ठीक है। तो 120 × 10³ न्यूटन पर mm², और जी दे रखा है 40 GPA, तो इसमें हो गया 40 × 10³ न्यूटन पर mm², ठीक है। और म्यू का वैल्यू 0.25, तो मैंने देखो क्या रखा, ई बराबर 3k1 - 2 μ, यही याद करना है आपको अच्छे से। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने आपको, और यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, देखो पूरा अच्छे से सॉल्व करके रखा है मैंने, तो आप देख देख के कर लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। और आगे मैं कराता हूँ क्या है, देखो एक और क्वेश्चन मैंने दिया आपको, देखो द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग मॉडुलस इज 0.40, व्हाट विल बी द पॉइजन रेशियो। तो देखो रेशियो पूछ रहा है, वो जी अपॉन ई का रेशियो पूछ रहा है, और 0.40, ठीक है, जी अपॉन ई बराबर 0.40 दे रखा है उसने, और पॉइजन रेशियो पूछ रहा है। तो देखो वही फॉर्मूला, ई इजकल टू 2g1 + μ वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखो सॉल्व करके रखा है, ध्यान रख लेना ई अपॉन जी निकलेगा यहाँ से, और जी अपॉन ई पूछा है, मतलब उल्टा पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व करके अच्छे से रखा है, ई अपॉन जी, यहाँ से जब जी इधर करेंगे तो 2a1 + μ बचेगा, और क्या कहते हैं, इसका वैल्यू दे रखा है जी अपॉन ई का 0.40, तो अपोजिट करेंगे तो 1 / 0.40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करना है बस, ठीक है, आप समझदार हो कर सकते हो, पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करके रखा है मैंने, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो म्यू का वैल्यू 0.25, अब म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा, ठीक है, 1.1 1/3 और 1/4 के बीच आता है, ठीक है। अब आगे देखो, देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। द रेशियो ऑफ शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए पॉइजन रेशियो ऑफ 0.4 विल बी, ठीक है। तो देखो ये तो आई थिंक, ठीक है, जी अपॉन ई का वैल्यू पूछ रहा है, जी अपॉन यू का, और म्यू का वैल्यू 0.4, देखो उसका अपोजिट क्वेश्चन है ये, इसमें उसमें म्यू म्यू का वैल्यू पूछ रहा था, और इसमें जी अपॉन ई का वैल्यू नहीं दिया है इसमें, उसमें दिया था। देखो क्या करेंगे, ई इजक्ल टू 2g1 + μ रखेंगे, ठीक है, और इसके बाद ई अपॉन जी हो गया 2 1 प्लस, और म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.4, तो 0.4 रख दिया, फिर सॉल्व करना है बस, ठीक है। और जी अपॉन ई निकालना है उल्टा बाद में, तो 2.8 जो निकल के आएगा ना इधर, तो उल्टा करेंगे तो 1/2 8.8, तो यहाँ से काट के 5.5/14 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, देखो छठवां क्वेश्चन देखो, द यंग मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज 120 GPA एंड पॉइजन रेशियो इज 0.25 द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो इसमें भी आपको जी का वैल्यू निकालना है, तो जी का वैल्यू देखो सॉल्व करके आ गया, आराम से कर लेना, देख देख के कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, मैं तो कर ही चुका हूँ। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, ठीक है। आगे देखो, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है एक जो आया हुआ है SSJEE में, मैंने आपको यहाँ करा दिया है। देखो द रिलेशन बिटवीन द यंग मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस जी एंड पॉइजन रेशियो वी इज करेक्टली गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो ई बराबर 2g1 + μ होता है, ई बराबर 3k1 - 2 μ होता है। तो देखो यहाँ से बी वाला जो होगा ना, वो होगा ई बराबर 2g1 + μ वाला, ठीक है। ई बराबर मैंने आप एक बार देखिए उसको,
ई बराबर 3 के 1 - 2 μ होता है, ई बराबर 2g 1 + μ होता है। तो वहाँ ये ई बराबर 2g 1 + μ हो जाएगा, ये अपॉन वाला है ना बी ऑप्शन में, तो 2g 1 + μ इधर क्रॉस में जाएगा तो ई इज्कल टू 2g 1 + μ हो जाएगा। ठीक है, म्यू मतलब वी दिया है इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आगे देखें क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों भाई, ठीक है, लाइक तो कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करो हमें भी, ठीक है। आगे देखो 90 क्वेश्चन देखो, सॉरी 90 में क्वेश्चन है कुछ। देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखो मॉडुलस रिजिडिटी होती है टाउ अपॉन फाई, मतलब सीयर स्ट्रेस अपॉन सीयर स्ट्रेन, ठीक है। तो सी देखिए ऑप्शन, सीयर स्ट्रेस टू सीयर स्ट्रेन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, देखो द इफ़ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज जीरो देन इट इज मीजर दैट, देखो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है देखो 1/3 से लेके 1/4 के बीच में, तो जीरो हो जाएगा तो इसमें से मतलब द मटेरियल इज रिजिड ये तो नहीं होगा, द मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक ये भी नहीं होगा, द देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी है 80 का, ठीक है। अब आगे देखो हुक्स लॉ होल्ड गुड टू, देखो मैं सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, पहले प्लीज़ आप पहला वीडियो और देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है, आप देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे भी, ठीक है। आगे देखो हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू, अब देखो हुक्स लॉ होता है सिग्मा प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, तो वहाँ से वो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंतर्गत होता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये होता है, ठीक है। तो देखो इस हुक्स लॉ होल्ड गुड टू यील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, तो इसका डी आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो आप पहला वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसी में, सब समझ में आएगा। देखो अब मैं दोस्तों एक ही वीडियो में तो नहीं करा सकता सब कुछ, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको पहला वीडियो तो देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके समझ में आएगा। देखो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉन एज, देखो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ तो होती है, मैंने आपको स्ट्रेन बताया था, स्ट्रेन होता है तो कौन सी स्ट्रेन होगी, डायरेक्शन ऑफ द लोड फोर्स, तो ये होगी लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन होती है, आपको बता दिया मैंने। अब ये भी हो गया, आगे देखिए पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पॉइजन रेशियो, देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पॉइजन रेशियो, ठीक है, पहला पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं गलत है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये भी गलत है, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल, तो सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर इक्वल, देखो मैंने अभी जो पढ़ाया है ना आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसमें से क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, सभी दिशाओं में समान होता है, तो कौन सा होता है आइसोट्रॉपिक, और आइसोट्रॉपिक मैंने बताया था दूसरा वाला, ठीक है, होमोजीनियस फिर आइसोट्रॉपिक बताया था, तो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपिक में होती है, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी होती है ऑल ऑन ए गिवन डायरेक्शन, वो होमोजीनियस होती है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल में होती है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अब देखो स्ट्रेन पूछा है तो चेंज इन वॉल्यूम गलत हो गया, ये नहीं है, बी देखिए चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये भी गलत है, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, अच्छा, चेंज इन लेंथ, ठीक है, हाँ देखो स्ट्रेस इज डिफाइन एज द रेशियो, अब देखो स्ट्रेस के इसमें सारे सारे ऑप्शन ठीक हैं, देखो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम पे स्ट्रेन है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा एल अपॉन एल होती है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ए वाला ऑप्शन क्या है, उसमें क्या कह रहा है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, फिर उसके बाद चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। आगे देखो द यूनिट ऑफ द यंग मॉडल्स, अब मैंने यंग यंग मॉडल्स की यूनिट क्या बताई थी आपको, ई देखो यंग मॉडल्स कहाँ से निकलता है,
स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ से निकलता है, वहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ई जुड़ेगा, तो ई इज इक्वल टू पी अपॉन ई। तो ई की तो वो होती नहीं है, यूनिट नहीं होती, मतलब स्ट्रेंथ की यूनिट नहीं होती है। तो पी की जो होगा ना, पी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो सीजीएस में निकलेगा तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का मतलब किलोग्राम होता है, सीजीएस में सेंटीग्राम सेकंड पद्धति होती है। ठीक है, तो 72 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो, देखो दोस्तों आगे, द मटेरियल मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द डायरेक्शन आर कॉल्ड। देखो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी जो कराई है उसमें मटेरियल की, उसमें से ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, द मटेरियल हैविंग द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी आया था तो आइसोट्रोपिक मटेरियल है। ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है ये। आगे देखें, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, मोस्ट इलास्टिक। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, स्टील होती है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, सब कुछ दे दिया है। देखो मटेरियल की, इस्पात 210 × 10³। देखो ये याद रखना आप, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी 200, यंग मॉडल्स इसका ज़्यादा होगा वही होगा। ठीक है, तो स्टील, फिर रॉट आयरन, एल्यूमिनियम, पीतल और तांबा, तांबा की सबसे कम होती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना। देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया, इन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इन टर्म ऑफ जी एंड के इक्वल टू। देखो मैंने आपको वो कराया था ना, ई बराबर 3K/2μ, ई बराबर 2g1+μ, ई बराबर 9Kc/3K+g, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं, वो वही में उसी में से आता है, उसी में से क्वेश्चन कर लोगे आप। आगे देखिए, देखो देखो दोस्तों, फॉर ए मटेरियल विद पॉइजन रेशियो 0.25, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये मैंने किया नहीं है, इसीलिए कि आप प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर दीजिए सॉल्व करके। मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको करा दिए इस टाइप के, और इसका आंसर दीजिए आप। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जी ऑफ अपॉन ई, जी अपॉन ई का रेशियो पूछ रहा है इसमें, और पॉइजन रेशियो का मान दे रखा है 0.25, तो आप ये निकाल सकते हो ई बराबर 2g1+μ से हैं। ठीक है, आप उससे निकालना, कोशिश करना। ठीक है, आंसर मुझे बताना कितना निकलेगा। आगे देखो दोस्तों क्या है, देखो इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी टेंस टू इलांगेट इट देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज, तो इसको क्या कहेंगे। ठीक है, यदि किसी पिंड पर समान और विपरीत बलों का प्रयोग करने से वह दीर्घित हो जाता है तो उत्पन्न होने वाला प्रतिबल क्या होगा, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, टेंसाइल लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है, प्लीज़ चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थम कर देना इसको, लाइक कर देना, और मैंने बहुत बेस्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़िएगा और सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा, मैं और वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कुछ अच्छा सा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है।